मैं दावे के साथ बता सकता हूँ, आपने हॉलीवुड चाहे बॉलीवुड किसी भी इंडस्ट्री की सस्पेंस थ्रिलर फिल्में क्यों ना देखा हो, मगर जो सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों का एक्सपीरियंस साउथ इंडस्ट्री कराता है वो कोई और इंडस्ट्री नहीं करा सकता। तो बने रहो इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसे ही टॉप सस्पेंस थ्रिलर साउथ इंडियन फिल्में कवर करने वाला हूं। नंबर 5 सत्यभामा। 2024 में सत्यभामा एक कमाल की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है, जिसे आप अपने परिवार के साथ भी देख सकते हैं। मूवी के लीड में हमें काजल अग्रवाल देखने को मिलता है, जो पुलिस ऑफिसर होता है और उसका नाम सत्यभामा होती है। इस फिल्म की कहानी एक गुमशुदा व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमता है, जहां सत्यभामा इस केस को इन्वेस्टिगेट करता है। इस केस को इन्वेस्टिगेट करते करते उसे कुछ ऐसे काले सच पता चलता है जो शायद उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। इधर सत्यभामा के अतीत की कुछ ऐसी यादें जो उसे हर दिन परेशान करता है। अब आगे क्या होता है वही आपको देखना है। मूवी काफी बढ़िया है, तो इसे एक बार जरूर देखना। नंबर 4, ये रहा फिल्म का नाम। 2024 में ये फिल्म, जिस फिल्म का नाम मैं प्रोनाउंस नहीं कर सकता, साथ ही एक लौता ऐसा फिल्म जो आपको जड़ से हिला सकता है। ये एक मलयालम थ्रिलर फिल्म है। फिल्म के कहानी में केरल को जड़ से हिला देने वाली दो बड़े बड़े क्राइम जांच के इर्द गिर्द घूमता है, जहां पुलिस दो ऐसे घटनाओं की जांच करता है जिसने पूरे केरल को हिला कर रख दिया था। इस घटना में सब लोग मिले हुए होते हैं। अब कैसे इस अपराध का खुलासा होता है वही आपको देखना है। नंबर 3, अनजान पथीरा। 2022 में अनजान पथीरा एक क्राइम सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है। 2 घंटा 24 मिनट की ये फिल्म आपको बोर नहीं करेगा, ये मेरी गारंटी है। इस मूवी को IMDb पर 7.9 की रेटिंग मिला है। मूवी में कहानी दिखाया जाता है एक खतरनाक सीरियल किलर की, जो लोगों को मारता है और फिर उसके लाश को ऐसी जगह पर फेंकता है ताकि लोगों के नजर में जल्द से जल्द आ सके। साथ ही ये सीरियल किलर इतना खतरनाक है कि वो पुलिस को भी चुनौती देता है कि आज मैं इसे मारने वाला हूँ, रोक सकते हो तो रोक लो। अब कैसे पुलिस इस खतरनाक सीरियल किलर को पकड़ता है वही आपको देखना है। इस मूवी में सबसे इंटरेस्टिंग चीज है इस मूवी का क्राइम इन्वेस्टिगेशन, तो इस मूवी को एक बार जरूर देखना, जो हिंदी में भी अवेलेबल है। नंबर 2, नीरो। 2023 में नीरो, जिसे IMDb पर 7.9 की रेटिंग मिला है, साथ ही एक लौता ऐसा फिल्म जो आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। जहां अच्छे भले इंसानों को न्याय पाने में सालों लग जाते हैं, वहां कैसे एक अंधी लड़की को कानून न्याय दिलाता है वही आपको देखने को मिलेगा। कहानी में नीरू नामक एक लड़की होता है जो देख नहीं सकता। एक दिन उसके साथ एक बहुत बड़ा हादसा होता है। यहां तक तो ठीक है, मगर उससे भी बुरा ये है कि वो देख नहीं सकता, तो वो उस मुजरिम को पहचानेगी कैसे? अब आगे क्या होता है और कैसे उसे न्याय मिलता है वही आपको देखना है। मूवी काफी बढ़िया है, तो इसे एक बार जरूर देखना। नंबर 1, सावेरी। 2024 में सावेरी एक माइंड ब्लोइंग क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसे IMDb पर 8.9 की रेटिंग मिला है, तो इससे आप समझ ही सकते हैं मूवी असलियत में कितना बढ़िया होगा। इस फिल्म की कहानी एक सिंगल मदर संजना के इर्द गिर्द घूमता है, जो अपने बेटी को बचाने के लिए अपने अतीत से लड़ता है। कहानी आगे शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक आदमी संजना के परिवार को फॉलो कर रहा है। संजना काफी ज्यादा डर जाता है और फिर पुलिस कंप्लेन कर देता है। अब आगे उसके साथ और उसके परिवार के साथ क्या होता है वही आपको देखना है। जो कहानी मैंने आपको बताया वो तो बस एक छोटा सा हिस्सा है, असली कहानी तो इस फिल्म के अंदर आपको पता चलेगा। तो इस मूवी को एक बार जरूर देखना एक अलग एक्सपीरियंस के लिए। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।